हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2019 में 7 सेट जो बना हुआ था, उन 7 सेट में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कल के वीडियो में हमने 7 सेट से चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन बने थे, उन क्वेश्चन को हमने क्लियर किया था। कल का जो हमारा वीडियो बना था, वो भी 2019 में जो 7 सेट बना था, उसमें चैप्टर नंबर 1 यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित और गॉस की प्रमेय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके पहले वाले वीडियो में बताए गए थे, पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके पहले वाले यानी मंडे के लेक्चर में यानी 18 नवंबर के वीडियो में बताए गए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि लाइक करने में आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर जितना मैक्सिमम आप लाइक करेंगे, उतनी ही एनर्जेटिक वीडियो आपको मिलेगी, उतना ही जोरदार वीडियो आपको मिलेगा। तो हम आशा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो का जो टारगेट है वो 500 लाइक होगा। तो हमारे इस टारगेट को आप कंप्लीट कीजिए और आप अपने भी टारगेट को कंप्लीट कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जो है 90+ ले आइए। और हमारा टारगेट ये है कि हमारे प्रत्येक वीडियो को आप 500 से अधिक संख्या में लाइक करें और कम से कम 100 कमेंट्स तो जरूर आने चाहिए। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयाम मॉडल तरंग में प्रत्येक पार्श्व बैंड की आवृत्ति का आयाम कितना होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आयाम मॉडलिंग तरंग में प्रत्येक पार्श्व बैंड की आवृत्ति का आयाम जो होता है, वो फार्मूला होता है, आवृत्ति का आयाम जो होता है वो होता है म्यू ए सी बाई टू। तो अब ये ऑप्शन विकल्प में कौन से नंबर पर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, यदि ध्रुवण कोण अल्फा हो, यानी ध्रुवण कोण क्या हो? अल्फा हो, तथा क्रांतिक कोण क्या हो? बीटा हो, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है टैन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, दूसरा ऑप्शन है काट अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तीसरा ऑप्शन है टैन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, चौथा ऑप्शन है कॉट अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। तो हम आपको बता दें कि n इक्वल टू क्या होता है? अपवर्तनांक, n बराबर होता है हमारा क्या? tan अल्फा। और क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए n बराबर क्या होता? 1/ क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण है कितना? बीटा। ठीक है, तो n की जगह पे हम क्या रख दें, या ये इंप्लाइज करेगा क्या, साइन बीटा इजकल टू 1/n, और n की वैल्यू कितनी है? टेन अल्फा। तो 1/tan अल्फा, 1/tan अल्फा क्या हो जाएगा? काट अल्फा। तो दोस्तों क्या मिला? साइन बीटा इजकल टू काट अल्फा, साइन बीटा इजकल टू काट अल्फा। ये ऑप्शन कहाँ है? साइन बीटा इक्वल टू काट अल्फा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हुई डिस्टेंस सेतु ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R हो, तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो हुई टिस्टोन हमारा दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये सिरा बैटरी से हमारा कनेक्ट होता है। अब प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य जो है कितना जाएगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया प्रतिरोध जुड़ के? 2R हो गया। और नीचे भी ये श्रेणी क्रम में ये भी डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 2R। और ये बैटरी से कनेक्ट है, कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अब 2R समांतर क्रम में, अगर समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2R प्लस 1/2R, हर दोनों का बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2/2R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये इंप्लाइज किया 1/R'=1/R, ये इंप्लाइज कर रहा R'=R, यानी जो हमारा नया प्रतिरोध होगा यानी तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? R होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग
में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव बी के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान होता है। तो खींचे गए ग्राफ का जो ढलान होता है दोस्तों, वो जो होता है किसी भी चीज के ढलान को हम हमेशा किससे लिखते हैं, टैन से। तो टैन थीटा इजकल टू एच बाई ई, ये हमारा ढलान का फार्मूला होता है, ठीक है, स्लोप का। और ये ऑप्शन कहाँ है, ढलान, ये होता है ढलान, और ये है ऑप्शन, ये ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज के समीकरण I बराबर इतना है तथा B बराबर 5 cos ओमेगा t है। तो परिपथ में शक्ति 6, तो शक्ति 6 यानी P पूछ रहा है, तो P बराबर होता क्या है दोस्तों, P बराबर होता है परिपथ में शक्ति 6, P बराबर हो जाएगा हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, B0 by under root 2 into I0 by under root 2, ठीक है। अब B0 क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ, वैल्यू रख दो कितना आएगा, B0 की वैल्यू 5 cos ओमेगा t इंटू 2 साइन ओमेगा t अपान अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, कितना हो गया मिलके 2 हो गया, ठीक है। तो ये आया क्या, टू यहां पे इंटू होता है cos 5, और 5 जो होता है वो वोल्टेज और धारा के बीच का मान है। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो वोल्टेज और I के बीच कलांतर कितने का होता है, तो कलांतर जो हमारा होता है वो कितना होता है, कलांतर फाइव बराबर होता है 90 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे cos 90 cos 90, अब cos 90 की वैल्यू आप कितनी रखोगे, जीरो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो पूरा समीकरण हमारा क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो परिपथ में कितनी शक्ति 6 होगी, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय क्रिया निम्न रूप से व्यक्त की जाती है, कोई नाभिकीय क्रिया है इस तरीके से जो है वो व्यक्त की गई है, पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया कौन सा कण है, ये अभिक्रिया कौन सा कण है, ठीक है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया जो है वो हमारा न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है। अब इसको ये जान लीजिए कि ये है कैसे न्यूट्रॉन, दोस्तों न्यूट्रॉन के निकलने से, न्यूट्रॉन के निकलने से जो होता है वो क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमाणु भार में एक की कमी हो जाती है, यानी 0n1 ये निकलेगा, ठीक है। तो ये निकलेगा, अब परमाणु क्रमांक यहाँ पे दोस्तों जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ, z यहाँ, तो z प्लस टू, परमाणु क्रमांक यहाँ पे सेम है, नहीं बदल रहा, परमाणु भार देखते हैं यहाँ 4 है, यहाँ पे a है, तो टोटल कितना हो जाएगा, a प्लस 4, लेकिन कितना है, a प्लस 3, यानी एक कम हो गया, यानी क्या निकल गया है, ये न्यूट्रॉन निकल गया, यानी ये जो W हमारा कण है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं सेट नंबर 2 की, सेट नंबर 2 देखिए, इसमें सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार से आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, तो इसके केंद्र पर विभव। तो दोस्तों हम आपको एक चीज बता दें कि अगर हमारा गोला क्या धातु का है, यानी चालक है, ठीक है, तो उसको जब हम आवेशित करते हैं तो उसके सरफेस पर जितना विभव होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे अंदर हो या उसके सरफेस पर, विभव का मान हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो विभव का मान उसके सरफेस पर कितना है, 10 वोल्ट, तो केंद्र पर कितना होगा, सिंपल सी बात है, 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध, तो क्या किया गया है, 24 ओम का प्रतिरोध है और उसको जो है मोड़ कर क्या किया गया है, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, यानी इस तरीके से। ए बी सी, तो इस तरीके से बना दिया गया, तो टोटल 24 था, तीन पार्ट में इसको तोड़ा गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि इसका किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध, तो मान लीजिए दो किनारा हमने ले लिया, ए व सी के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो दोस्तों यहां पर देखिए ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं,
तो ये साल भोग के कितना हो जाएगा, 8 8 16, यानी ये टोटल कितना हो गया 16 ओम। अब ये साइड हमारा क्या हो गया, ए सी, ए सी नीचे कितना है 8, तुल्य प्रतिरोध 1/R। अब समांतर क्रम हो गया, तो समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, R1 की वैल्यू 16, R2 की वैल्यू 8, LCM 16, 1 प्लस 2 आया कितना 3/16, तो R बराबर क्या हो जाएगा 16/3 ओम, 16/3 ओम। ये ऑप्शन में है कहीं 16/3 ओम, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी बटे हेनरी मीटर मात्रक होता है, हेनरी पर मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युतशीलता का कि चुंबकशीलता का कि परावैद्युतांक का कि स्वप्रेरकत्व का। तो दोस्तों पहले ही बता देते हैं कि हेनरी जो है वो चुंबक का मात्रक है, ठीक है, अब पर मीटर लग गया है तो चुंबकशीलता का मात्रक हो गया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हेनरी। तो यहाँ पे हेनरी पर मीटर मात्रक किसका है, चुंबकशीलता का। अगला ऑप्शन है कि एक नाभिक के विखंडन में 3.2 × 10⁻¹ⁱ जूल ऊर्जा निकलती है, एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक पर सेकंड की आवश्यकता हो। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रति सेकंड कितने नाभिक की आवश्यकता होगी, तो प्रति सेकंड नाभिक की आवश्यकता कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रति सेकंड नाभिक की संख्या इक्वल टू होता है फार्मूला कितने किलोवाट बिजली घर के लिए इसको हो रहा, तो 16 किलोवाट, इसको वाट में कन्वर्ट करोगे तो किलो वाट में आ गया, 1000 से गुणा कर दिए, बटे टोटल एनर्जी कितनी है 3.2 × 10⁻¹ⁱ भाग करेंगे ये आएगा कितना, यहाँ पे देखिए दशमलव हटा देते हैं तो इसका एक पावर और बढ़ जाता है, तो मतलब −11 से −12 हो जाएगा, ठीक है, ये −12 होगा, नीचे 32 ऊपर 16, 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, तो यानी 1/2 × 10⁻³ ऊपर 3 हो गया, नीचे वाला जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये आएगा दोस्तों 0.5 × 10⁻¹⁵, 0.5 × 10⁻¹⁵। अब दशमलव को 5 के उधर कर देते हैं तो यानी एक अंक आगे बढ़ा रहे हैं तो इसकी एक पावर घट जाएगी, तो 5 × 10⁻¹⁴, तो 5 × 10⁻¹⁴ है कहीं पर ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि आयाम मॉडुलेट तरंग की आवृत्ति FM तथा वाहक तरंग की आवृत्ति FE है, तो मॉडुलेट तरंग की बैंड की चौड़ाई कितनी होगी, तो मॉडुलेट तरंग बैंड की चौड़ाई जो होगी वो हो जाएगी हमारी 2FM, कितनी होगी 2FM, क्योंकि मॉडुलेट तरंग की बैंड की चौड़ाई जो है वो हमारी डिपेंड है आवृत्ति पर, ठीक है, कौन सी, आयाम मॉडुलेट तरंग की आवृत्ति पर, तो कितना हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बी बोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल बी बराबर क्या होता है, √2EV/m, तो ये ऑप्शन नंबर है कहीं पर, ये ऑप्शन √2EV/m है कहीं पर, ये है ऑप्शन नंबर डी, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं सेट नंबर 3 की, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। एक वृत्तीय चालक की कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर और 0.05 सेकंड में बहती है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, इस कुंडली का स्वाप्रेरकत्व कितना होगा,
होगा तो स्वप्रेरकत्व बराबर होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानिए प्रेरित विद्युत वाहक E बराबर क्या होता है। E बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। धारा में परिवर्तन कितना है? 18 से 2, मतलब 2 से 18, यानी टोटल डिफरेंस कितना है? 16 वोल्ट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दिया हुआ है, कितना है? 20 वोल्ट। L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, L की जगह रख दो, I की जगह कितना हो जाएगा? 16। समय कितना दिया है? 0.05। अब इसी को दोस्तों कैलकुलेट कर लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा 20 × 25 100, यानी इधर हो जाएगा 1, इधर आएगा ये 1.00, ठीक है, बराबर L अपान L इंटू 16, L इंटू 16, तो ये इंप्लाइज हो जाएगा L बराबर 1/16। अब 1 में 16 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 0.05, 16 × 80, और 16 × 5 आ जाएगा 0.0625 हेनरी, ठीक है, ये हेनरी होगा। तो इसको आंसर सब हमारा मिली हेनरी में है, तो 100 से इसको गुणा कर दो, मिली हेनरी में आ जाएगा, तो 100 से गुणा करोगे तो 0.2 अंक आगे बढ़ जाएगा, 1, 2, 0.2 कहाँ बढ़ जाएगा? 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 6.25 मिली हेनरी। ये ऑप्शन में है कहीं पर? यस, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है μ0/ε की पावर 1/2 का मान कितना होगा? तो किसी की पावर नेगेटिव का मतलब होता है 1, वो चीज बटे में 1/√μ0/ε0, इसका मान हमको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप μ0 का मान रख दीजिए और एप्साइलन का मान रख दीजिए, दोनों को गुणा करके उसका अंडर रूट ले लीजिए, जो मान आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट मान है वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप मान यहाँ पे रख लीजिएगा म्यू नॉट का और एप्साइलन नॉट का, फिर उसको गुणा करके उसका अंडर रूट ले लीजिएगा, फिर उसका 1/1 यानी 1 में उसको उससे भाग कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सॉरी 8, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता कितनी होगी? तो दोस्तों विद्युत चालकता जो होती है वो क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो विद्युत चालकता, विद्युत चालकता बराबर 1/ प्रतिरोध, तो 1/500। अब 1 में 500 से भाग दोगे तो वो आएगा कितना? जाएगा नहीं, 0.10 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा फिर 0 बढ़ाएंगे तो 1000 हो गया। 500 गुड़े 2 बढ़ जाएगा ओम इन ओमर्स। तो ये ऑप्शन है कहीं? यस, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है चौथा, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या चीज उत्सर्जित नहीं होता? अल्फा कण तो उत्सर्जित होता ही होता है, बीटा कण भी उत्सर्जित होता है, ठीक है, गामा किरणें भी उत्सर्जित होती हैं, प्रोटॉन नहीं उत्सर्जित होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से, रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्रोटॉन नहीं उत्सर्जित होता, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण होगा। तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम बता दें, अगर सभी एक वेग से गतिमान है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी, यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की बारी है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन यानी थोड़ा सा चुंबकत्व को प्राप्त करता है, उसे कौन सा चुंबक? अब अनुचुंबकीय जो है वो चुंबक
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, लौह चुंबकीय ज्यादा चुंबकत्व प्राप्त करता है, बचा प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय नाम से क्लियर, प्रति यानी उसके विपरीत, तो विपरीत चुंबकीय कौन प्राप्त करता है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में थोड़ी मात्रा में चुंबकित होता है। अब सेट नंबर 4 की बात करते हैं। सेट नंबर 4 में है, पहला ही क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। दोस्तों कल के वीडियो में भी मैंने बताया था आपको विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक इन चारों में से क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को इसे आप सबको बताना है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। कल के क्वेश्चन में इसको हमने डेराइव भी किया था कि कैसे ये क्वेश्चन आया है, यानी इसका मात्रक अगर ये है तो कैसे है। अब आप लोगों को आप केवल ऑप्शन ही कमेंट करना कि ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो एक बेलनाकार चालक हमारा कैसा है, वो बेलनाकार है, ठीक है, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता है दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो ये किस पर निर्भर करता है। तो ना तो ये इसकी विशिष्ट चालकता ताप पर निर्भर करेगी, ना तो पदार्थ पर निर्भर करती है, और ना ही अनुप्रस्थ प्रच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो इन तीनों पर निर्भर नहीं करती है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रहा समय की बीमा नहीं है, यानी इन समय टी की बीमा नहीं है, कौन सी इसमें समय की बीमा नहीं, यानी इन चारों की बीमा निकालो किसकी बीमा टी के बराबर नहीं आ रही है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वही आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप इसमें निकालिए कि कौन सा आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, तो जो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 4, आर बाई सी की जी बीमा है जो वो टी के बराबर नहीं आएगी, बाकी सबकी बीमा आप कैलकुलेट करेंगे तो वो टी ही आएगी, यानी सभी की बीमा को सॉल्व करोगे तो टी आएगी। अब ये बीमा निकालना क्लास 11 में सिखाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बीमा को कैलकुलेट कीजिए, बीमा निकालिए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अधिकतम, सॉरी प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है, यानी प्रिज्म पर क्या होती है, प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। फिर आगे पूछ रहा है कि कांच वायुपृष्ठ का क्रांतिक कोण कितना होगा, 45 अंश, 45 अंश से कम, तो कोई भी चीज प्रिज्म पर अगर लंबवत आपतित हो रहा है तो अगर कांच और वायु के पृष्ठ का क्रांतिक कोण यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है 45 अंश, अब 45 अंश पे जो भी प्रकाश किरण आएगी वो सीधा सीधा क्या हो जाएगी, अपने ही माध्यम में पूरी तरीके से लौट जाएगी, ठीक है, सॉरी दोस्तों अपने ही माध्यम में वापस नहीं लौटेगी, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। तो यानी क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है कि आपतन कोण का मान हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रांतिक कोण, अब हमसे पूछा यही है कि क्रांतिक कोण कितना होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा 45 अंश पे अगर आपतित हो रही है प्रकाश किरण, 45 अंश पे आपतित हो रही है तो वो क्या हो रही, अपने ही माध्यम में, ठीक है, अपने ही माध्यम में क्या हो रही है, वापस लौट जा रहे, यानी क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण क्या होता, वह आपतन कोण होता, 45 पे पूरी तरीके से लौट जा रही है, यानी वो आपतन कोण हमको चाहिए कि जिसके लिए पूरी तरीके से लौटे नहीं, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो 45 पे तो पूरी तरीके से लौट जा रही है अपने ही माध्यम में, तो जाहिर सी बात है 45 अंश से थोड़ा कम होगा तभी जो है ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 45 अंश से कम, 45 अंश से कम। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है, तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति किस में सिद्ध होती है, केवल परावर्तन द्वारा, केवल व्यतिकरण द्वारा, केवल विवर्तन और केवल ध्रुवण।
तो प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति है वो दोस्तों हमने आपको बताया था कि वो जो है केवल और केवल ध्रुवण द्वारा ही सिद्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होता है, किस कंडीशन में अधिक होता है? पहला ऑप्शन है कि यदि अग्र अभिनत में है तब, यदि पश्च उत्क्रम अभिनत में हो, तीसरा है यदि संधि डायोड अभिनत में यानी जुड़ा ही ना हो, ना अग्र हो ना पश्च हो, जुड़ा ही ना हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विसरण धारा का मान अनुगमन धारा से अधिक तभी होगा जब संधि डायोड हमारा अग्र अभिनत में जुड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही। अब हम बात करते हैं सेट नंबर 5। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पीएन संधि की अवक्षय प्रत में होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीएन संधि बताते समय हमने आपको बताया था पीएन मीन्स क्या होता है कि एक तरफ पी टाइप का क्षेत्र होता है, दूसरी तरफ एन टाइप। पी टाइप में क्या होते हैं? कोटर होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्षय प्रत के पास इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रिज्म से सब जब प्रकाश गुजरती है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो हम दोस्तों कहां से शुरू करते हैं पढ़ना? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी का होता है। किसका होता है? बैंगनी का। तीसरा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस में आर जीरो के अनुक्रमानुपाती होती है? वैद्युत तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैद्युत तीव्रता का मान घटता जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है। वैद्युत ध्रुव में भी यही सेम कंडीशन है कि वहां पर भी हम जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र से ध्रुव से दूर जाएंगे तो तीव्रता का मान घटने लगता है। इसमें किसमें जो है तीव्रता का मान आर के अनुक्रमानुपाती होता है? तो वो जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी है, आवेशित अनंत समतल चादर। आवेशित अनंत समतल चादर जो है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आर पे डिपेंड नहीं करती है, और डिपेंड करती भी है तो उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी है। कल के वीडियो में भी इसको हमने बताया था कि अनंत समतल चादर, अनंत समतल चादर एक समान रूप से आवेशित है तो उसके कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था। अब उस फार्मूले में आप देख लीजिए आर है कि नहीं है। ठीक है, वही फार्मूला आपको बताएगा, फार्मूले से ही चीजें क्लियर होती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? अगर आर नीचे बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती, अगर गुणे में है तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप वहां पे कल के वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो अनुक्रमानुपाती किस केस में होता है? अनंत समतल चादर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 100 ओम प्रतिरोध जो है वो 100 ओम का है, एक्सएल जो है वो 300 ओम है, और एक्ससी जो है वो यानी 200 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर कितना होगा? तो कलांतर, तो सबसे पहले कलांतर का फार्मूला लिखिए, टैन फाइव बराबर होता क्या है? टैन फाइव बराबर होता एक्ससी एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर। तो वैल्यू रखो, एक्सएल की वैल्यू 300 माइनस 200 बटे 100, तो ये आएगा 1, और 10 कितने की वैल्यू होती है? 1 45 अंश की। तो 5 बराबर कितना आ गया? 45 अंश। ठीक है, तो कितना हो गया? 45 अंश। 45 अंश है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर सी सही है। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इन सभी में। तो डोमेन जो बनता है वो आपका बनता है केवल और केवल लौह चुंबकीय में। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो डोमेन जो है केवल लौह चुंबकीय में बनता है। अगला ऑप्शन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है,
तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि ये अपने माध्यम के लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेट नंबर सिक्स की। सेट नंबर सिक्स, पहला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर, जो ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर तीर लगा होता है वो किसको संकेत करता है? तो वो जो है संकेत करता है हमारा धनात्मक धारा दिशा प्रवाह की, यानी धन की तरफ धारा, यानी प्लस की तरफ धारा बह रही, ये संकेत करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए अधिकतम होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व और संधारित्व, प्रेरकत्व और प्रतिरोध है, तो एल बाई आर का मात्रक होगा। तो एल बाई आर का मात्रक क्या होगा? L by R का मात्रक जो है वो सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि प्रेरकत्व का मात्रक होता है क्या? ओम पर सेकेंड, ओम पर सेकेंड। और मीटर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम से ओम कैंसिल हो गया, बचा केवल क्या? सेकेंड। तो इसका मात्रक हो गया सेकेंड। वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो वाह चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो वो जो है वाह चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कौन करता है? तो ये क्लियर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं? वाह चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं, यानी ये चुंबकित होते भी हैं तो वाह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है, जीरो केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो जीरो केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक यानी अर्धचालक में तब तक धारा का प्रवाह नहीं होता है जब तक उसमें कोवेलेंट बांड नहीं टूटता, यानी सहसंयोजन बंध नहीं टूटता है, और जीरो केल्विन पर उसमें कोई भी सहसंयोजक बंध नहीं टूटता है। तो ऐसी कंडीशन में ये अर्धचालक जो है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। तो विद्युत चालक नहीं होता है तो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है वो न्यूटन पर कूलाम, ये तो मात्रक ही है, जूल बटे कूलाम ये भी मात्रक है, विद्युत बोल्ट मीटर भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, तो बचा कौन? ये जूल बटे कूलाम बटे मीटर, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेट यानी 2019 का लास्ट सेट, सेट नंबर 7। इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, यदि ई तथा एच क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं तो ई बटे एच का मात्रक होगा। तो ई बटे एच, ई जो है विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है और एच चुंबकीय क्षेत्र को, इनका जो मात्रक होगा वो क्या आ जाएगा? ये ले देके प्रतिरोध बना देंगे, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, इसमें प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कितना होगा? ठीक है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र, पहला ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र होगा, दूसरा ऑप्शन केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, तीसरा ऑप्शन ना तो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना ही विद्युत क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है दोनों होगा। तो धारावाही चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? ये हम आपको बता चुके हैं कई बार कि चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। अब बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल लगता है वो कितना होता है? फार्मूला क्या होता है? F बराबर
वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कहाँ, वन बाई आर स्क्वायर यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 तो तीन जगह पर लिखा हुआ है, एक जगह माइनस है, तो माइनस में होता नहीं, जूल में होता नहीं है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है, यानी सघन माध्यम में उसका क्रांतिक कोण टैन थीटा, थीटा बराबर टैन इनवर्स 3/4 है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि n बराबर होता क्या है, 1/sin θc, ये है क्या क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण, और हमको दिया क्या टैन, टैन थीटा सी, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3, इसका मान 4, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा सी बराबर हो जाएगा 3/5, 3/5, तो एन बराबर कितना मिल जाएगा 1/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, एन बराबर मिल जाएगा 5/3, 5/3 है कहीं पर, यस ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए प्रवर्धन एपी तथा वोल्टेज प्रवर्धन एबी का धारा प्रवर्धन होगा, तो इसका धारा प्रवर्धन जो होगा वो एपी अपान एवी होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये आज के वीडियो में हमने बोर्ड एग्जाम 2019 में सातों सेट में जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था उन सबको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, उसको जो हमने बता दिया है। तो इस आज के वीडियो के बीच में हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन फिर आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन ये है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, क्या होता है, ये हमने कल के वीडियो में भी बताया, नहीं अगर पता है तो कल का वीडियो देख लीजिए फिर आप आंसर दीजिए, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।